Assalamu alaikum everyone, this is Shajad. I'm a professional trainer. I would like to talk about the skills that you have to learn. आप लोगों की कौन कौन सी skills जो आपको चाहिए online earning के लिए. Skills में पहली skills है web development. Web development क्या होती है, ये जितने भी आप online platforms देखते हैं, online जो websites हैं, इनके backend पे एक proper developer होता है जो काम कर रहा होता है. और ज़रूरी नहीं है कि वो developer सिर्फ एक बार develop करके बस उसका काम ख़त्म, नहीं. With the passage of time websites में changes होती हैं, upgradation होती है, backend की issues होते हैं. So start learning web development. Web development का कोर्स करें, web development को सीखना शुरू करें. ये एक ऐसा टूल है जो आपको घर बैठे, if you are at your home and if you are a good web developer, so you have a lot of opportunities. ये जितने freelancing के platforms मैंने पिछली videos में आप लोगों को बताए हैं, इन सब पे web development एक अच्छा paying skill है. Second is graphic designing. देखिए, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आप लोगों ने अगर महारत हासिल कर ली, अगर आप एक्सपर्ट हैं, सो यू विल अर्न अ लॉट ऑफ मनी. कैसे? देखें, दुनिया में जो भी जो प्रिंट आउट होता है या ऑनलाइन आपको दिखाया जाता है, वो पहले डिज़ाइन होता है. अब वो डिज़ाइन कौन करता है? ग्राफिक डिज़ाइनर. ग्राफिक डिज़ाइनर क्या करते हैं? घर पे बैठे अपने कंप्यूटर पे डिफरेंट डिज़ाइंस जो है वो डिज़ाइन करते हैं. उन डिज़ाइंस को वो फिर ऑनलाइन सेल भी कर सकते हैं. तो आप लोगों के फाइवर, अपवर्क या इस तरह के प्लेटफॉर्म ग्राफिक डिज़ाइनर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं. अब जो थर्ड नंबर पर स्किल है वो है डाटा एंट्री. बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जो मैंने आप लोगों को फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स बताए, वहाँ पे भी अगर आप डाटा एंट्री की जॉब करना चाहें वो आपको बहुत इजीली भी मिल जाएगी. और डाटा एंट्री में क्या है? कॉपी पेस्ट. सिर्फ आप लोगों को टेक सेवी होना है, आप लोगों को कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए, आप लोगों को बेसिक टूल्स ट्रिक्स आने चाहिए, सो यू विल बी एबल टू एक्चुअली फाइंड अ गुड जॉब, गुड अपॉर्चुनिटी इन डाटा एंट्री. सिमिलरली कॉन्टेंट राइटिंग, अगर आपको अच्छी इंग्लिश आती है, अगर आपकी इंग्लिश बेहतर है, सो आप एक अच्छा कॉन्टेंट अपना क्रिएट कर सकते हैं. आप ब्लॉगिंग खुद भी कर सकते हैं और ऑनलाइन जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर उनको कॉन्टेंट राइटर की ज़रूरत होती है. वो आपको पर वर्ड पे करते हैं, बहुत सारे लोग पर आर्टिकल भी पे करते हैं. 500-600 वर्ड्स का आर्टिकल होता है तो उसके अकॉर्डिंगली आपकी पेमेंट होती है. लास्ट स्किल जो आपको ऑनलाइन अर्निंग में मदद दे सकती है वो है सेल्स एंड मार्केटिंग, स्पेसिफिकली टेली सेल्स. अब दुनिया का रुझान जो कॉल सेंटर था वहाँ से हट के टेली सेल्स में लोग फ्रीलांसर हायर कर रहे हैं, और बहुत सारे अच्छे सेल्स के लोग जो टेली सेल्स के एक्सपर्ट्स हैं वो घर बैठे फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, अपवर्क, फाइवर पे काम कर रहे हैं. तो आप लोग भी कोशिश करें, ये वो स्किल्स हैं जो आप सीख सकते हैं. विद इन 2-3 मंथ्स आप इनको अच्छी तरह से सीख सकते हैं. फ्रीलांसिंग में आप इन सब स्किल्स को यूज़ कर सकते हैं और इनसे आप एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं. मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ कौन कौन से स्किल्स हैं. फर्स्ट इज वेब डेवलपमेंट. वेब डेवलपमेंट एक बहुत अच्छा टूल है, स्किल है ऑनलाइन अर्निंग का. सेकंड इज ग्राफिक डिजाइनिंग. द थर्ड इज डेटा एंट्री. द फोर्थ इज कंटेंट राइटिंग. एंड द फिफ्थ वन इज सेल्स एंड मार्केटिंग. थैंक यू सो मच. मिलते हैं अगली वीडियो में. अल्लाह हाफिज़.